पूरे भारत के विविध प्रांतों की मिट्टी और मां नर्मदा का पवित्र जल दोनों इन कलशों में डाला जाएगा। कलश भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और प्रत्येक शुभ अवसर के प्रारंभ में इसका पूजन होता है। आज कलश पूजन से वरुण देव का पूजन कर सभी नदियों के जल, खेत खलिहान की मिट्टी और कृषि प्रवृत्ति का पूजन करते हैं, वंदन करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को, याद कर उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं, आमंत्रित करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी को कि आप ये लिवर खींचकर सरदार की प्रतिमा का अनावरण करें, लोकार्पण करें। सैकड़ों रियासतों में बटे भारत को अखंड भारत बनाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक अभूतपूर्व प्रतिमा की परिकल्पना एक बहुत बड़ी सोच है, बड़ी सोच है जो आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के मन में थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सन 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए भारत के किसानों का आह्वान किया कि वो पुराने खेत, औजार और अपने क्षेत्र की मिट्टी को एकत्रित कर सरदार पटेल की प्रतिमा बनाने में अपना योगदान दे। और फिर ये एक आंदोलन बन गया। भारत के 28 राज्यों के 1,69,000 गांवों से लोहे और मिट्टी को एकत्र किया गया। पूरे भारत के किसानों द्वारा भेजे गए इस लोहे और मिट्टी को माता नर्मदा के जल और दूध के साथ अर्पण करके एक विशाल काय प्रतिमा का निर्माण किया गया। ये विश्व की सबसे ऊंची 182 मीटर की प्रतिमा है। ये प्रतिमा प्रतीक है एक भारत श्रेष्ठ भारत की और एक श्रद्धांजलि है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, जो आज की नौजवान पीढ़ी को प्रेरित करती रहेगी। एकता के शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कृतज्ञ राष्ट्र अर्पण कर रहा है एकता का शिल्प। आओ वादा करें हम अपने सरदार से कि अपने देश की एकता, अपने प्राणों की आहुति देकर भी हम बनाए रखेंगे। वर्चुअल अनावरण के बाद अब आपके सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की वो विश्व विक्रमी प्रतिमा आप देख सकते हैं। आइए अपने स्थान पर सम्मान में खड़े होकर जोरदार तालियों से इस घटना का स्वागत करें, इस क्षण के साक्षी होने का गौरव लें और स्वागत करें। कुछ ही देर में हमारे विमान यहां से फ्लाई पास्ट करेंगे। बारडोली के सरदार को कवि हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी कविता पटेल के प्रति में कुछ इस प्रकार सराहा था। यही प्रसिद्ध लोह का पुरुष प्रबल, यही प्रसिद्ध शक्ति की शीला अटल, हिला इसे सका कभी नर शत्रुदल, सरदार पर स्वदेश को गुमान है। सुबुद्धि उच्च श्रृंग पर किए जगा, हृदय गंभीर है समुद्र तरह, कदम छुए हुए जमीन पर सरदार देश का निगाहबान है।
और अब भारतीय वायुसेना के भारत में ही HAL द्वारा उत्पादित 3 किरण मार्क टू एयरक्राफ्ट आसमान को भारतीय तिरंगे के रंगों से इस ऐतिहासिक स्मारकीय प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को सलामी देंगे। गोरखपुर एयरफोर्स स्टेशन की प्रतिष्ठित एयर डिफेंस फ्लाइट स्क्वाड्रन के पायलट्स पवित्रता का शांति का सफेद रंग आसमान में बिखेरेंगे। कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर नवजोत सिंह पन्नू देशभक्ति का केसरी रंग हवा में बिखेरेंगे। विंग कमांडर पी कश्यप और समृद्धि का हरा रंग आसमान में बिखेरेंगे विंग कमांडर अग्रवाल। Thank you.